प्रश्न आता 16वें नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है बट आसान है, लग रहा है कि थोड़ा अलग है बट कुछ अलग नहीं है। सिंपली घातांक के नियम का हमको प्रयोग करना है, आसानी से बन जाएगा। यहां पर भी सेम नियम का प्रयोग करने वाला है। देखो यहां पर अगर हमारे पास x टू दी पावर a प्लस बी दिया है और इस पूरे पर पावर 2 दिया है, तो हमने पहले क्या बताया, अगर x पर पावर a है और यहां पर पावर b है तो ये दोनों गुना हो जाता है, तो ये होगा x पर पावर ab। अगर x पर पावर a प्लस बी है और यहां पर 2 दिया, मतलब ये पूरा इसके साथ क्या होगा, गुना होगा। और अगर हम a प्लस बी को यदि 2 से गुना कर देते हैं तो 2a प्लस 2b होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो बिल्कुल, अगर ये बात तुमको यहां से समझ में आ रहा है तो आगे देखिए सवाल को। यहां पर सिंपली गुना कर देंगे तो ये होगा x पर पावर 2a प्लस 2b, a प्लस बी को हमने 2 से गुना किया, मल्टीप्लीकेशन है बाबू, गुना है। फिर x पर पावर यहां से bc को 2 से गुना करेंगे, 2b प्लस 2c हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन है x टू दी पावर, फिर ca को 2 से गुना करेंगे, 2c प्लस 2a। चलो जी बहुत बढ़िया। यहां पर क्या हो रहा है देखना जरा, यहां पर हो रहा है ये x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, x टू दी पावर a प्लस b प्लस c होगा कि नहीं होगा। बेस समान है, आधार समान है, पावर सबका जुड़ जाएगा, और इस पर पावर कितना है, 4 है, और इस पर पावर 4 है, मतलब a प्लस b प्लस c को 4 से गुना करना है। तो पहली बात देखो, 2a है और फिर से 2a है, 2b है फिर से 2b है, 2c है फिर से 2c है, मतलब सब यहां पर 2a 2a 4a, 2b 2b 4b और 2c 2c 4c। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेस समान है, फिर से पावर जुट जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, अच्छा लिखने को लिख सकते हैं ना, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a बट्टे में, यहां पर गुना कर दो बाबू किससे, a प्लस b प्लस c को 4 से, तो ये होगा x पर पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर है। देखो 2a और यहां पर 2a, इसको अगर जोड़ दे तो होगा 4a, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2b और 2b तो 4b तो होगा ही, 2c 2c यहां पर 4c तो होगा ही, बट्टे में यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास, 4a प्लस 4b प्लस 4c है ना, ऊपर नीचे बिल्कुल समान है, मतलब यहां पर हमारा इसका काम तमाम होगा, उत्तर हमारा एक यहां से आ जाएगा।